जगन्नाथाय नमः। ॐ श्री जगन्नाथाय नमः। के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो, 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 हो। कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो। नारायणी माता देवी महालक्ष्मी, नारायणी माता देवी महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा बन के जग को है पालती। कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो, 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 हो। लक्ष्मी जग में धन देती सबको, धैर्य माता धैर्य देती विचलित मन को। धन माता तुझसे बनते सारे दिन धनवान, गज माता करती हो तुम स्वर्ण आभूषण दान। त्रिगुणमयी माँ देवी अष्टलक्ष्मी, त्रिगुणमयी माँ देवी अष्टलक्ष्मी, त्रिभुवन में तेरी करे सब आरती। कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो, हो। Thank you.
या लक्ष्मी विद्या बुद्धि संपत्ति दायनी विजय श्री माता तू ही युद्ध में हो संगनी संतान माता तू ही संतान देती धान्य लक्ष्मी दीन जनों को आहार देती परमेश्वरी माँ जगन्नाथ ब्रह्म परमेश्वरी माँ जगन्नाथ ब्रह्म तू ही महाशक्ति सुनो मेरी विनती कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो हो, हो, हो। नारायण नारायण जय श्री जगन्नाथ जय महालक्ष्मी नारायण नारायण जय श्री जगन्नाथ जय महालक्ष्मी प्रणाम मुनिवर देवर्षि नारद आप और इस समय आप तो जानती हैं माते माता श्री के दर्शन हेतु समय और असमय की चिंता आपके इस पुत्र ने कभी की ही नहीं माते आसन ग्रहण कीजिए देवर्षि नारायण नारायण और देवर्षि मृत्युलोक में सब ठीक ठाक तो है आपको तो सब कुछ ज्ञात है माते फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ मृत्युलोक में हर जगह अत्याचार अनाचार अशांति और असंतोष का कोलाहल छाया हुआ है माते अशांति और असंतोष का कोलाहल हाँ माते जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि है वो लोग धन संपत्ति के गर्व से उन्मादित हो उठे हैं सारी पृथ्वी पर वो लोग राज कर रहे हैं धर्म नीति और आदर्श के पद से वो लोग विमुख हो चुके हैं माते और जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं वे दीनहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं माते और इसी तरह ये समाज दो टुकड़ों में बढ़ चुका है माते इस बीच परिस्थितियां क्या इतनी जटिल हो गई हैं मेरी तो इच्छा हो रही है मैं स्वयं जाकर एक बार संसार को भली भांति देखाऊं देवर्षि हाँ, हाँ माते अब तो आपको शिव मंदिर से बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि परिस्थिति यदि कुछ दिन और ऐसी ही रही तो लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा माते और आपकी रची हुई पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी माते ध्वंस हो जाएगी देवर्षि हाँ माते वर्तमान में पृथ्वी आपका आशीर्वाद और करुणा चाहती है केवल भक्तों की पुकार या आश्रितों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं माते बल्कि आपकी करुणा से वंचित एक जाति विशेष के मन में श्रद्धा और विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए माते हे प्रभु जगन्नाथ दया करो जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन छी 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 सुबह सुबह बांझ का मुंह देख लिया और ऊपर से अछूत गया आज का दिन तो पूरा नष्ट हो गया अरे ओशिया तू रास्ते पर क्या धूल उड़ा रही है तुझे क्या आते जाते लोग दिखाई नहीं देते अरे रास्ता छोड़ देखती नहीं राज पुरोहित जी पधार रहे हैं हट यहाँ से हट हट यहाँ से क्षमा क्षमा राजपुरोहित जी भूल हो गई कह देने से क्या तुझे क्षमा मिल जाएगी हट रास्ते से भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन से पहले तुम लोगों का मुंह देखना भी अशुभ है रास्ता छोड़ राजपुरोहित जी आज मार्गशीर्ष का प्रथम गुरुवार है ना इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाकर श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करने की मेरे मन में इच्छा जागी है क्या तू लक्ष्मी पूजा करेगी तू अछूत होकर मन में ऐसी ऊंची इच्छा पाल रही है क्यों राजपुरोहित जी हम लोगों का माँ की पूजा करना कोई अपराध है क्या केवल अपराध नहीं घोर अपराध है चंडाल जाति में जन्म लेने के कारण तुम लोगों की परछाई पड़ने पर भी सारे शुभ कार्य अशुभ हो जाते हैं और तू लक्ष्मी पूजा करना चाहती है पाप पाप महापाप क्या हुआ राजपुरोहित महाशय
अरे कलयुग है घोर कलयुग, समझे बड़ा पंडा महाशय, अब इस संसार का विनाश निश्चित है। देखो ये अछूत होकर देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहती है। हाँ हाँ करेगी क्यों नहीं, तू जाकर मंदिर में घंटा बजा और हम सब रास्ते में झाड़ू लगाते हैं। अरे इसका साहस तो देखो। साहस नहीं पंडा जी, दुस्साहस कहो दुस्साहस। समझाओ इसे, समझाओ, चलो जी। क्यों महाराज, हम लोग पूजा क्यों नहीं कर सकते? सुना सुना, अछूत होकर ये आज लक्ष्मी पूजा करेगी, कल मंदिर जाकर भोग चढ़ाएगी, परसों मंगल आरती उतारेगी, और हम सब लोग हाथों में झाड़ू लेकर चलो गली गली घूमकर मैला साफ करते हैं। महाराज हम भी आप जैसे ही मनुष्य हैं। चुप कर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे तुम अछूत लोग कब से मनुष्य बन गए? हाँ वही तो, देखते हो सौदागर, देखते हो इसे नीच अछूत होकर कैसे उत्तर दे रही है। अरे देख क्या रहे हो, लगाओ दो चार हाथ, सीधी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ लगाओ क्या? क्यों क्यों मारोगे? क्या तुम लोगों के मन में नारी जाति के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं? क्या कहा? सम्मान? तुझे सम्मान चाहिए? ले मैं तुझे सम्मानित करता हूँ। ले, ले, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ले, 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 सम्मान ले, सम्मान ले। अरे ये क्या कर रहे हो? मनुष्य होकर मनुष्य को पशु की तरह पीट रहे हो? छी छी छी, क्या यही सभ्य समाज का परिचय है? ए ब्राह्मण देव, आप कहाँ से टपक पड़े? क्या आकाश से? ए ए भाई, ये आपकी क्या लगती है जो आपके मन में इसके लिए इतनी पीड़ा हो रही है? कोई किसी का कुछ लगता है क्या तभी उसकी पीड़ा ली जाती है? अरे मनुष्य तो वो है जो पराई पीड़ा को अपना ले, और ये मनुष्य है। इसका मतलब ये अछूत होकर लक्ष्मी माँ की पूजा करेगी? अधर्म, घोर अधर्म। जगन्नाथ के राज्य में ऐसे कुसंस्कार को कभी भी मान्यता नहीं दी जाएगी। मनुष्य से मनुष्य जैसा बर्ताव करने का संस्कार जिसमें नहीं है, जगन्नाथ उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते। अरे देखो देखो, हम स्वयं जगन्नाथ जी के सेवक हैं और ये हमें ही उपदेश दे रहे हैं। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अरे चलो चलो भाई, यहाँ पर ब्राह्मण चांडाल सब एक हो गए। चलो 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 सौदागर जी, यहाँ रुकना उचित नहीं, चलिए। उठो माँ, उठो। आप कौन है महाप्रभु? इस अछूत अभागिन पर इतनी दया किस लिए? मत रो माँ, मेरा परिचय जानकर तुम क्या करोगी? पर हाँ, लक्ष्मी जगन्नाथ के प्रति तुम्हारी जो ये भक्ति है, वो तुम्हारा उद्धार अवश्य करेगी। रो मत बेटी, धैर्य से काम ले। चाबुक की मार खाने के लिए ही प्रभु ने हमारी चबुनियों को मजबूत बनाया है। ये मार तेरी पीठ पर नहीं है, हमारी पूरी अछूत जात की पीठ पर पड़ी है बेटी। ठीक है, सब धर्म अधर्म ऊपर वाला समझता है, वही समझेगा। लेकिन पिताजी, मैं जानता हूं बेटी तुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वो लोग बड़े आदमी हैं, उन्हें हम उत्तर दे नहीं सकते। हम तो केवल सेवक मात्र हैं, हमें सब कुछ सहना पड़ेगा बेटी, सब कुछ सहना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है पिताजी, कि अगर हमारा जन्म छोटी जाति में हुआ है तो हमें हर अन्याय सहना ही है। चांद सूरज के प्रकाश पर जितना अधिकार उनका है, उतना ही हमारा भी। जिस पेड़ का फल वो लोग खाते हैं, हमें भी उस पेड़ का फल खाने का अधिकार है। नदी सरोवर का पानी ईश्वर ने केवल उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी बनाया है। तो फिर ये ऊंच नीच क्यों पिताजी, क्यों? तेरी बातों का मैं कोई उत्तर दे नहीं सकता बेटी, पर इतना अवश्य बता सकता हूँ
मारने वाले से मार सहने वाला बड़ा होता है। हमारी मुक्ति इन मनुष्यों के हाथों में नहीं, देवताओं के हाथों में है बेटी, समझी? श्रिया, श्रिया, मंगलू आ रहा है, आंसू पोछ ले, देखेगा तो दुखी हो जाएगा, पोछ ले, उसे कुछ मत कहना। अरे ओ श्रिया, श्रिया, क्या हुआ? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये शंख की माला तो बहुत ही सुंदर है, जितना पैसा मिला सारा लगाकर ये खरीद लाए ना। लो, हिसाब शुरू हो गया ना, तुम स्त्रियों का ये हिसाब किताब कभी समाप्त ही नहीं होगा। अरे हिसाब नहीं, मन को देखो, मन को। आसाना, मैं इसे तुझे अपने हाथों से पहना दूं। अरे शर्मा गई क्या? तेरे गले में ये माला बहुत सुंदर लग रही है, रानी जैसी लग रही है मेरी श्रिया। हाँ। अरे तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों है? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे छुपा रही है क्या? मैं नहीं जानता, बाल बच्चे ना होने के कारण लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर क्या करें, प्रभु की कृपा ही नहीं है तो। पर तू दुखी मत हो। मैं क्यों दुखी होने लगी? प्रभु ने मुझे सच्चा और प्यार करने वाला देवता जैसा पति जो दिया है, मुझे और क्या चाहिए? देवता जो अपनी पत्नी को भरपेट खाना नहीं खिला सकता, एक बच्चा नहीं दे पाया, जो एक अछूत है जिसकी परछाई पड़ने से लोग अपवित्र हो जाते हैं, वो और देवता? नहीं श्रिया। ऐसा क्यों कहते हो? हर पत्नी के लिए उसका पति ही देवता होता है, और तुम मेरे लिए देवता हो। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ। देवर्षि, सुबह सुबह श्री मंदिर में आगमन, लीला मई के दर्शन की अभिलाषा लिए चला आया हूँ प्रभु। हमारे दर्शन तो आपने कुछ समय पहले ही कर लिए थे देवर्षि। आपके यहाँ आने का कोई कारण तो अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के आप कहीं आते जाते नहीं। मेरी आशंका व्यर्थ तो नहीं देवर्षि? लगता है इस बार किसी नए रहस्य का शुभारंभ होने वाला है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना देवर्षि? नारायण नारायण, महाप्रभु की इस आशंका का कारण मैं कुछ समझा नहीं। आपका आगमन ही उसका पूर्वाभास है, अतः कलह का सूत्रपात सुनिश्चित है। कलह प्रिय, प्रहार कर दिया ना प्रभु, ये संसार वाले मुझे जो कहते हैं आप भी वही कहने लगे, सत्कर्म का फल क्या अपवाद है? आपने ठीक कहा देवर्षि, जो नारद को समझ गया वो सब समझ गया, परंतु जो नहीं समझा वो कभी नहीं समझ सकता। सब कहते हैं नारद जी नटखट हैं, कलह प्रिय हैं, परंतु आपके द्वारा जो कलह की सृष्टि होती है उससे विश्व में शांति प्रतिष्ठित होती है और विषम समस्याओं का समाधान भी होता है। अंतर्यामी से कौन सी बात छिपी है? परंतु जो कुछ भी हो प्रभु, इस बार आपकी नई लीला का शुभारंभ हो चुका है। नई लीला? वो क्या देवर्षि? ये क्या भगवान, मुझे श्रेष्ठ भक्त भी कहते हैं और मुझसे ही चलना? हम छलावा नहीं कर रहे हैं देवर्षि, हम सत्य कह रहे हैं, और सत्य यही है कि हमने जिस चिंगारी को सुलगाया है आप ही उसे हवा देने वाले हैं। ये सत्य है प्रभु, अगर ये चिंगारी सुलग जाती है तो समाज में एक पतित जाति को बराबर का दर्जा अवश्य मिल जाएगा, और प्रभु लीलामय का पतित पावन नाम भी सार्थक हो जाएगा प्रभु। और इस नाटक में आप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं देवर्षि। चलिए यूं ही सही प्रभु, क्योंकि आज तक मैं जो करता आया हूँ वो लीलामय की इच्छा से ही तो हुआ है। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। अरे बेटी, पूरे घर के लिए पैपोत कर रही है, आज कुछ है क्या? आज कुछ नहीं है पिताजी,
कल गुरुवार है, मैं व्रत रख रही हूँ। व्रत? किसका व्रत रख रही है तू? पिताजी, मैं महालक्ष्मी का व्रत रख रही हूँ। वो महालक्ष्मी जी का व्रत करेगी? ये तू क्या कह रही है बेटी? हमारे कुल में कभी कोई व्रत पूजा नहीं करता, ये प्रथा जन्म जन्म से चली आ रही है। क्यों पिताजी, क्यों? ये तो मैं नहीं बता सकता बेटी, पर हाँ अपने बाप दादाओं को भगवान का नाम लेकर सर पटकते तो देखा है, पर कभी किसी को पूजा करते नहीं देखा। हमारे पूर्वजों ने जो कभी नहीं किया, तू उसे क्यों करने जा रही है बेटी? इसे अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। भगवान की पूजा करने से बुराई कैसे हो सकती है पिताजी? ठीक है, जो तेरी इच्छा तू वही कर, मैं नहा के आता हूँ। श्रीया, तू पूजा मत कर। क्यों? पूजा करने से क्या लाभ? क्या प्रभु हमारी बात सुन लेंगे? हमें तो पूजा करना, मंदिर जाना मना है, फिर हम उन्हें कैसे पुकारेंगे और वो हमारी बात कैसे सुनेंगे? छी, ऐसा नहीं बोला करते, वो हमारी बात अवश्य सुनेंगे। प्रभु जगन्नाथ तो स्वयं पतित पावन है, हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए अपनी बाहें फैलाए श्री मंदिर में बैठे हुए हैं। बाहें फैलाए बैठे हैं? तू जाके पूछ अपने उस भगवान से, मनुष्यों के बीच ये छूत अछूत की सृष्टि क्यों की है? मनुष्य जन्म देकर हमें पशुओं जैसा जीवन क्यों दिया है? जाके पूछ। बड़े मंदिर में बैठे बड़ी बड़ी आंखों वाले प्रभु ने मनुष्य के बीच ये भेदभाव क्यों बनाया है? हम जीवित होकर भी मृत जैसे क्यों है? जाके पूछ, पूछ अपने उस भगवान से। अकस्मात इस प्रकार विचलित क्यों हो गई? कुछ दिनों से किसी भक्त के आकुल निवेदन से मेरा हृदय कंपित हो रहा है स्वामी, उस निवेदन की दृढ़ता मुझे विचलित कर रही है। मुझे भी किसी व्याकुल हृदय के करुण स्पंदन की ध्वनि सुनाई दे रही है और उस ध्वनि के भीतर तुम्हारा चेहरा बार बार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका क्या रहस्य हो सकता है देवी? अंतर्यामी से कौन सी बात छिपी है जो मुझे
तुझ में भी है जात पात, तू भी मानी लक्ष्मी जी को जाऊंगी मैं, लक्ष्मी जी को जाऊंगी मैं, उन्हें सब बताऊंगी मैं, आशा है वो ही मुझको शरण लगाए, बेचैन फूल तूने के नैनो में अश्रु का जल चारों ओर फैल जाएगा, ये पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी प्रभु, पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी। जय मां त्राही मां। श्री मंदिर में कल घटी अनहोनी अब तक मेरे हृदय को आंदोलित कर रही है, कहीं ना कहीं प्रभु की सेवा में बहुत भारी अनीति हुई है। महाराज, मैं स्वयं इसकी खोजबीन कर चुका हूँ, ऐसे किसी अनीति का प्रमाण अब तक नहीं मिला है। तो फिर इसका क्या कारण हो सकता है पंडित गण? महाराज, कोई कारण समझ में नहीं आता, हो सकता है लीलामय प्रभु की ये भी एक लीला हो। राजपुरोहित जी। जी महाराज, आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं कोई अनीति तो अवश्य हुई है, और ये घटना अमंगल सूचक है, धन और सम्मान की हानि हो सकती है महाराज। इस अनहोनी का क्या समाधान हो सकता है राजपुरोहित जी? इसके लिए शांति विधान करना पड़ेगा। शांति विधान का कोई प्रयोजन नहीं महाराज, बिना अनुमति के राज्यसभा में प्रवेश के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप कौन है ब्राह्मण देव? मैं एक भिक्षुक पंडित हूँ महाराज। साधु साधु, अच्छी बात कही आपने, क्या आप पंडित होकर भिक्षा मांग रहे हो, या भिक्षा मांगने में ही आपका पांडित्य है? हे ब्राह्मण, राज्यसभा में आने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन? मनुष्य के इस दरबार में मनुष्य के आने में कोई आपत्ति तो नहीं है महामंत्री महाशय? व्यर्थ की बातें ना करो भिक्षु। सेनापति, तो आपकी इस बात से मैं ये समझूं कि ये राजा और ये राजसभा केवल किसी जाति या संप्रदाय के लिए सीमित है, भिक्षुकों के लिए क्या यहाँ कोई स्थान नहीं? निसंकोच भाव से अपने आने का अभिप्राय बताइए ब्राह्मण देव। आज इस बात को लेकर यहाँ नोकझोंक चल रही है, मुझे लगता है राज्य के सब लोगों के प्रतिनिधि की दृष्टि से राजा इस सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं ब्राह्मण देव? ये पूरी तरह से स्पष्ट है महाराज, विश्व के सार्वभौमत्व के प्रतीक प्रभु जगन्नाथ जी के सिर से मुकुट का गिरना इस बात का प्रमाण है महाराज। आप भूल रहे हैं ब्राह्मण कि आप किससे बात कर रहे हैं। जानता हूँ, एक भक्त से, प्रभु जगन्नाथ जी की सजीव प्रतिमा रूपी गजपति महाराज से, और उनसे भी जो अपनी प्रजा को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। आश्चर्य की बात कही ब्राह्मण देव, इस पवित्र उत्कल भूमि के शिरोमणि किसी एक गोष्ठी या संप्रदाय के लिए सीमाबद्ध नहीं है, इस देश के शासन दंड में प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार है। राजपुरोहित जी, मुझे पता है इस राज्य में सबको समान अधिकार नहीं है। ब्राह्मण, आपके राज्य में आज भी एक जाति के लोग अधिकार पाने से वंचित हैं, जैसे देवताओं पर सभी जाति का समान अधिकार है, उन लोगों को देव पूजा से वंचित करना ये क्या उनके सम्मान के प्रति उपेक्षा का मनोभाव नहीं है महाराज? ब्राह्मण देव के तर्क नितांत ही हास्यास्पद है महाराज, समाज में प्रचलित प्रथा और धर्म के अनुशासन का उल्लंघन करना संभव नहीं है महाराज। मनुष्यों के नियम मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, परंतु देवताओं के नियम उन सब से ऊपर हैं। ब्राह्मण के कंठ में अछूत जात की बात रहस्यमय है, वे लगता स्पृश्य है, अछूत है। महाराज,
मनुष्य क्या मनुष्य के लिए अस्पृश्य अछूत हो सकता है? क्या मुक्त हवा के झोंके उनके शरीर को स्पर्श नहीं करते? क्या उनके रक्त का रंग हमारे रक्त के रंग से अलग होता है? या फिर ये धरती उन्हें धारण नहीं करती? महाराज ब्राह्मण देव, समाज की दृष्टि से सामाजिक विधि विधान के विरोध में आचरण करना क्या राजधर्म है? तो स्मरण रखिए महाराज, जिस देश में मनुष्य को उसका अधिकार नहीं मिलता उन देशवासियों को मनुष्य नहीं कहते और ना ही उस देश के राजा को राजा कहते हैं। आप व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं ब्राह्मण, व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं आप। ये व्यर्थ प्रलाप नहीं है महाराज, एक कटु सत्य है और ये सत्य एक दिन प्रकट होकर रहेगा। महाराज की जय हो। विश्वास है, आपकी असीम कृपा हमारे परिवार पर सदा रही है। माँ, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। माँ, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। रमीला, 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 अरे ओ रमीला, सुबह से बिना नहाए धोए कहाँ चले गए थे आप? आज मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार है, भूल गए क्या? वो कैसे भूल सकता हूँ। ये लो, स्वयं लक्ष्मी साथ लेकर आया हूँ, रखो। अरे ये क्या, इतने सारे गहने? हाँ, व्यास सहित मूल भी वसूल कर लाया हूँ। आज लक्ष्मी पूजा का दिन है, ये सब गहने घर से निकालकर उन लोगों ने दिए कैसे? भला गुरुवार के दिन भी कोई स्त्री अपने गहने उतार कर देती है? उन्होंने यूं ही नहीं दिया प्रमीला, मुझे बलपूर्वक लाना पड़ा, बलपूर्वक। वो कहते हैं ना, धन जाता है सीधे रास्ते और आता है टेढ़े रास्ते। छी छी छी, गुरुवार के दिन ये सब गहने आप उनसे बलपूर्वक ले आए, उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा। माँ लक्ष्मी असंतुष्ट हो जाएंगी। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, कितनी बार कहा, अगर लक्ष्मी की कृपा करने से सब हो जाता तो हमारे बाप दादा सात समुद्र पार व्यापार करने कभी नहीं जाते और ना ही मेरे लिए इतनी धन संपत्ति छोड़ पाते। देखिए, ये धन संपत्ति वो लोग ऐसे नहीं छोड़ गए, इसके लिए उन लोगों ने बहुत परिश्रम किया था। स्वयं अपना जहाज लेके सात समुद्र पार व्यापार करने जाते थे, इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदा बनी रही। और आप है कि दूसरों के हाथ अपना जहाज देके व्यापार करने भेज देते हैं, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते ये देखने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। देखिए, आप घर में बैठे रहेंगे और बाहर का आदमी आपको धन कमा के देगा, ये क्या अच्छी बात है? भला ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर कैसे बनी रहेगी? चुप! मुझे उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अधिक लक्ष्मी लक्ष्मी करोगी तो पूजा व्रत सब बंद कर दूंगा। हे भगवान, आज के दिन ऐसी बातें करना उचित नहीं है। ओहो, मेरे पास तुम्हारी बेकार की बातें सुनने का समय नहीं है, ये लिए जा रहा हूँ मैं, किसी को देने हैं। किसे देने हैं इतने सारे गहने? वो तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा धन है, मैं चाहे जैसे उपयोग करूँ। देखिए, मेरी बात मानिए, ये सब गहने आप उन्हें कल दीजिए, आज गुरुवार है। फिर वही गुरुवार, फिर वही लक्ष्मी, तुम अपना मुंह बंद रखती हो या? दे दो मुझे। नहीं, दो मुझे। आज मैं नहीं दूंगी। क्या कहा, नहीं दूंगी? नहीं, मैंने कहा दो मुझे। मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा दे दे मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं। तेरा ये हे माँ महालक्ष्मी, उन्हें क्षमा कर दो माँ, उन्हें क्षमा कर दो। Thank you.
अच्छी तरह से पंख भी नहीं निकले और चले हो चांद को छूने। राउतराय सेठ धन के बल से पंखियों के पंख अपने आप निकल आते हैं। अरे चांद तो चांद है, आकाश के सारे तारे भी आकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। गुरु क्या नाचती है? क्या गाती है बंदी? क्या चीज है? लेकिन गुरु, सौदागर विक्रम ने सही जगह पर तीर मारा है। एकदम मजाक को भेड़िया ये लाला। ए रुको, ए कहाँ चली आ रही है? महाराज, यदि आप कृपा करके विधि विधान बता देते तो मैं गुरुवार की पूजा करती। लगता है उस दिन की मोहर भूल गई। अछूतों के लिए पूजा का कोई नियम नहीं है। तुझे यहाँ से। रुक रुक, नियम नहीं है तो क्या हुआ? इसके लिए एक नया नियम बना देते हैं। लेकिन गुरु, हम देवताओं के पास कुछ तो भोग लगना चाहिए। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जा, सब जानकर क्यों अनजान बन रही है? कोई बात नहीं, समझ जाएगी, समझ जाएगी। गुरु, देर किस बात की? उससे थोड़ा समझा दीजिए। अरे आजा, बैठ जा, बैठ जा, सब समझा देते हैं। अरे आजा। सभागिन पर दया कीजिए, मुझे लक्ष्मी पूजा की विधि बता दीजिए। एक बार कह दिया ना, अछूत जात में जन्म लेने के कारण तुझे पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? अछूत क्या लक्ष्मी पूजा नहीं कर सकते? ओह, तो आप हैं, बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ, उपवास, देवार्चना करने का अधिकार इस जाति को नहीं है। आप बता सकते हैं
क्यों इन्हें ये अधिकार नहीं है? क्योंकि ये लोग जन्मजात पापी हैं, संस्कारहीन हैं तथा समस्त प्रकार के पुण्य फलों से वंचित हैं। ओ, संसार की सारी गंदगियों को साफ करते हैं इसलिए? आश्चर्य है, इस तरह के उदार स्वभाव के इन अधिकारियों से कोई कैसे घृणा कर सकता है? बंद करो अपना ये प्रलाप, ब्राह्मण होकर अछूतों जैसी शास्त्रहीन बातें कर रहे हो। और आप राजपुरोहित होकर इस देश की, इस जाति की और देवताओं के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु श्री जगन्नाथ सकल जात धर्म और वर्ण से परे हैं। अच्छा, तो आप राज शक्ति के विरोध में विद्रोह का सूत्रपात कर रहे हैं। राजद्रोही होने का दंड जानते हैं ब्राह्मण देव? विद्रोह का सूत्रपात मैं नहीं कर रहा, मनुष्य के मन में उसके स्वेच्छाचार के विरुद्ध प्रतिवाद करना सिखा रहा हूँ। एक जाति विशेष के मन में उसके सम्मान पाने के अधिकार को जगा रहा हूँ। पापी की आत्मा को सम्मान दिलाने का अधिकार? तुम फिर से व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो पागल ब्राह्मण, व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो तुम। व्यर्थ प्रलाप? ये व्यर्थ प्रलाप एक दिन मानवता का प्रलाप होगा। याद रखिए, अगर ऐसी स्थिति रही तब दूसरे धर्म के लोग आके इन्हें अपना लेंगे। अपना धर्म धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसके उत्तरदायी होंगे आप और आप जैसे समाज के कुछ ठेकेदार। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस दिन ये पतित अछूत समझ जाएंगे कि इनका जन्म केवल गंदगी साफ करने के लिए नहीं हुआ है, वो भी इंसान है, फिर देखना इस संसार के चारों तरफ केवल गंदगी ही गंदगी रह जाएगी। ये संसार केवल नर्क दिखेगा और इस नर्क के भागीदार होंगे आप ब्राह्मण श्रेष्ठ। पाखंडी, ब्राह्मण देव, ये क्या हो गया? मैं नर्क का भागीदार बनूंगा, मैं। आश्चर्य है, प्रभु जगन्नाथ जी के माथे से रक्त, एक के बाद एक अमंगल घटनाएं घट रही हैं। इसका क्या रहस्य है? निश्चित ही ये किसी बड़ी विपत्ति का पूर्वाभास है। अनजाने में कहीं ना कहीं कोई अपराध अवश्य हुआ है। अपराध क्षमा महाप्रभु, अपराध क्षमा करो। आपको मेरे लिए इतना कष्ट सहना पड़ा ब्राह्मण देव। तुम्हारी ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी माँ, क्योंकि समस्त सेवा के अधिकारी प्रभु स्वयं जगन्नाथ जी हैं। अच्छा माँ, तुम व्रत करना चाहती हो ना? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें समस्त विधि विधान बताऊंगा, परंतु तुम एक बात जानती हो, ये सभ्य समाज तुम्हारी जाति से इतनी घृणा क्यों करता है? नहीं ब्राह्मण देव, मैं नहीं जानती। वो इसलिए कि तुम्हारी जाति दुनिया भर का मैल तो साफ करती है, परंतु अपनी बस्ती और घर का मैल साफ करना भूल जाती है। वो गंदगी में रहती है और तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ मद और मांस की गंध छाई रहती है। लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं आती जहाँ गंदगी हो, अशुद्धता हो, वो वहीं आती है जहाँ शुद्धता का वास हो, क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का दूसरा नाम महालक्ष्मी है। हाँ माँ, अगले गुरुवार के दिन तुम महालक्ष्मी व्रत अवश्य रखना। श्रिया, तू इतनी सुंदर रंगोली बनाना कहाँ से सीखी रे? अच्छी नहीं बनी इसलिए हंसी उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं रे, सच बहुत ही सुंदर बनी है। अरे इतने सारे कमल फूल कहाँ से लाए? तू कहती थी ना माता लक्ष्मी को कमल के फूल से बहुत लगाव है, इसीलिए दिन भर में जितने फूल मिले सारे तोड़ लाया। बहुत ही अच्छा किया, ये सारे कमल फूल सजा देंगे और जब माँ लक्ष्मी हमारे घर आएंगी तो इसे देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ। और हमारी पूजा सफल हो जाएगी। वहु, वहु, ये सब तो ठीक है, लेकिन पूजा का विधि विधान तुमने किसी से पूछा है क्या? हाँ पिताजी, एक दिव्य ब्राह्मण ने मुझे सब कुछ बताया है। ब्राह्मण? हाँ पिताजी, पूजा की विधि तो एकदम सरल है। रंगोली के ऊपर धान रखकर घट की स्थापना करते हैं, उसके अंदर धान डालकर ऊपर से कच्चा नारियल रखते हैं, फिर कमल पुष्प से उसे सजाकर अपनी शक्ति के अनुसार मिश्रण का भोग लगाते हैं। पिताजी,
माँ तो केवल मन की व्याकुलता और भक्तों के भाव को पहचानती है, और वो भावना तेरे मन में तो सदा बनी है। अरे मंगलू, मेरी बहुरानी तो पक्की पुजारिन बन गई है। बेटी, मेरा मन कहता है माँ लक्ष्मी तेरी पुकार अवश्य सुनेंगी। क्या बात है प्रभु, इस प्रकार एकांत में क्या भक्तों की पुकार में मग्न हो गए हैं? मैं कभी कभी भक्तों के व्याकुल निवेदन से अपना अस्तित्व भूल जाता हूँ देवी। ठीक कहते हैं आप, मैं भी अपने भक्तों के निवेदन की उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर आपकी अनुमति हो तो नगर भ्रमण कर रहा हूँ। इस प्रकार अनायास नगर भ्रमण की अभिलाषा मन में क्यों आई देवी? कल मेरा सुदशा व्रत पालित हो रहा है, सोच रही थी एक बार देखाऊं कौन कैसे मेरा व्रत पालन कर रहा है। यदि मैं मना करूं तो? नहीं जाऊंगी। नारियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, छोटी सी बात पर रुष्ट हो गई। मैंने तो बस यूं ही कहा था। रुष्ट नहीं स्वामी, मैं तो अनुरोध कर रही थी। क्योंकि मैं जानता हूँ भक्तों को पाकर तुम अपने पति को भी भूल जाती हो। ओहो समझी, आप अपनी भावनाओं को मुझ पर थोप रहे हैं। नहीं देवी, एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं कर सकता, पर क्या करूं, भक्तों के प्रति भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। जाओ देवी, और सुनो, बड़े भैया बलभद्र, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, कभी उग्र हो जाते हैं तो कभी शांत। कल दशमी है, तुम्ही को उन्हें व्यंजन परोसना है, शीघ्र लौटाना। ऐसा ही होगा प्रभु, मैं चलती हूँ, देखती हूँ कौन मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। कारज है बेटी। तू कौन है मुझे बोलने वाली? कहां कहां से आ जाते हैं, चल हट जा। पूजा पाठ ना जानू मैं, इस मन की मारी, मुझको अछूत कही दुनिया ये सारी, मन में श्रद्धा की ज्योत जगाऊं, कर दे कृपा मैं तेरी पाऊं, हो ना होगा प्रगट माँ
श्रिया उठो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। क्या हुआ बहू? क्या क्या? अरे क्या मामा बोले जा रही है? महालक्ष्मी आई थी पिताजी, महालक्ष्मी आई थी। महालक्ष्मी आई थी? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? कितना सुंदर चेहरा, क्या आभा थी। माँ आसन पर खड़ी हुई थी, उनकी उस आभा से सारा घर आलोकित हो उठा था। अरे क्या बके जा रही है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई श्रिया? पांव में सुंदर पायल, सिर पर मुकुट, मुख पर इतना तेज, सचमुच आए थे पिताजी। आइए मेरे साथ, आइए। अरे तुम भी आओ ना, आइए, माँ यहीं पर। अरे अरे पिताजी, ये तो पिताजी, ये तो देखा पिताजी, हमारी श्रिया की पूजा व्यर्थ नहीं हुई पिताजी, माँ लक्ष्मी सचमुच यहाँ आई थी। बेटा, हमारी श्रिया सौभाग्यशाली है जो इस अछूत के घर में अपनी भक्ति से माँ लक्ष्मी को खींच कर लाई। आज तो जो उसका सपना था वो साकार हो गया। बेटी तू सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। जय माँ लक्ष्मी। ओफो, ये सब क्या है? महालक्ष्मी की पूजा के लिए तरह तरह के शुद्ध व्यंजन बनाए हैं। लीजिए प्रसाद खा लीजिए। छी, कैसे मनुष्य खाते? प्रमिला तुम अच्छी तरह से जानती हो, मांस मछली के बिना मुझसे खाया नहीं जाता। छी छी, गुरुवार लक्ष्मी पूजा के दिन ये सब खाना तो क्या, उनका नाम लेना भी पाप है। प्रमिला मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, ये गुरुवार लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी व्रत मुझे मत सुनाया करो। मेरे पास इतना धन है, किस लिए? क्या ये सब खाने के लिए? जब देखो लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। सरकार 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 सरकार, क्या हुआ, क्या बात है? मालकिन, विदेश से सरकार का जहाज आ रहा था, अचानक तूफान आ गया, जहाज कहीं खो गया है। सभी के जहाज वापस आ गए हैं, लेकिन हमारे जहाज का कोई पता नहीं चला मालकिन, कोई पता नहीं चला। ये भगवान, ये क्या हो गया? हे महालक्ष्मी, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। जगन्नाथ, 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 जगन्नाथ। क्या हुआ भैया? श्री मंदिर की बहु रानी इस प्रकार का अनुचित कार्य करेगी, ये मैं सपने में सोच भी नहीं सकता था। श्री मंदिर की बहु रानी और अनुचित कार्य? मैं कुछ समझा नहीं भैया। वो श्री मंदिर की रीति नीति और संस्कारों को भूलकर एक अछूत के घर गई थी, अछूत के घर। इतना ही नहीं, उसने उनका दिया हुआ प्रसाद भी ग्रहण किया। अछूत के घर? लक्ष्मी, क्या ये सत्य है? झूठ बोलने की आदत मेरी नहीं, तुम्हारी है। नहीं भैया, मैं कह रहा था कि अगर हमारी बहुरानी श्री मंदिर की चौखट पार कर किसी अछूत के घर जाती है, तो इससे बढ़कर अपमान की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? और इस देवलोक में हम क्या आदर्श स्थापित करेंगे? ये बात तो सही है भैया, परंतु तो लक्ष्मी तो दारिद्र भंजनी है, किसी भक्त की करुण पुकार से विचलित होकर चली गई होंगी और अनायास उनसे ये त्रुटि हो गई होगी। इस त्रुटि के लिए उन्हें पहली बार क्षमा कर दीजिए भैया। बहुरानी की मनमानी के उत्तरदायी केवल तुम हो, तुम स्वयं कुल की मर्यादाओं को भूलकर भक्तों की आड़ में छूत अछूत सभी के घर घुसते हो। अगर गृह लक्ष्मी भी वही करे तो कुल की मर्यादाओं का क्या होगा? भैया, लक्ष्मी तो आपकी प्यारी लाडली बहू है और क्षमा के अधिकारी भी। यदि आवश्यकता हुई तो हम स्वर्ग लोक से देवताओं को आमंत्रित करके
लक्ष्मी की शुद्धि का प्रबंध कर देंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। श्री मंदिर में इस तरह की विश्रृंखला को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आज इसी मुहूर्त से लक्ष्मी का श्री मंदिर में प्रवेश निषेध। भैया, इस सामान्य त्रुटि के कारण हम लक्ष्मी जैसी देवी का परित्याग कर दें? सुनो जगन्नाथ, लक्ष्मी जैसी पत्नी बहुत सारी मिल जाएंगी, तुम उसका त्याग कर दो। हमारे लिए आवश्यक है कुल की मर्यादाओं का पालन। फिर भी यदि तुम्हें उसके साथ रहने की प्रबल इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम भी जाकर उसके साथ अछूतों की बस्ती में घर बनाकर रह सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम दोनों के लिए श्री मंदिर का द्वार सदा के लिए बंद रहेगा। भैया, ये क्या कह रहे हैं भैया? यदि लक्ष्मी श्री मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगी तो मैं श्री मंदिर का त्याग करके चला जाऊंगा। भैया, तुम्हारे समक्ष दो ही विकल्प हैं, पत्नी और भाई। निर्णय तुम्हें करना है। प्रभु, आप और यहाँ? कहीं मेरे विलंब से लौटने पर प्रभु रुष्ट तो नहीं? चलिए, दशमी के भोज का प्रबंध जो करना है। नहीं देवी, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। व्यर्थ में ये परिहास क्यों प्रभु? परिहास नहीं, ये सत्य है। ये बड़े भैया का आदेश है। परंतु मेरा अपराध क्या है प्रभु? तुमने एक अछूत के घर जाकर उसके हाथों से नैवेद्य ग्रहण किया है। प्रभु, भक्तों की पूजा ग्रहण करना क्या अपराध है? नहीं, पर कुलवधू होकर अछूत के घर जाना मर्यादा और संस्कारों के विरुद्ध है। तुमने जात गवाई है लक्ष्मी, श्री मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार अब तुम्हें नहीं है। ओह, तो अछूत के घर जाना नीति के विरुद्ध है। मैंने जात गवाई है, श्री मंदिर में प्रवेश करने का अब मेरा अधिकार नहीं है। प्रभु, मेरा मुंह मत खुलवाइए, संभवतः आपको बुरा लग सकता है इस समय, परंतु मैं कहती हूँ सुनिए। त्रेता युग में शबरी के हाथों से जूठा फल खाते समय आपकी ये जात कहाँ रह गई थी? सालों साल जारा शबर के हाथों से भोजन करते समय आपकी ये जात कहाँ रह गई थी? क्यों प्रभु, उस समय तो आपको जात पात पाप पुण्य की चिंता ही ना थी। छोड़िए, मैं स्वयं जाकर बड़े भैया को समझाऊंगी। नहीं लक्ष्मी, उन्हें समझाना व्यर्थ होगा। तुम्हारे मंदिर में प्रवेश करते ही बड़े भैया श्री मंदिर छोड़कर चले जाएंगे, यही उनकी प्रतिज्ञा है। क्यों बार बार बड़े भैया का नाम लिया जा रहा है? क्या मैं नहीं जानती ये सब आप ही का किया हुआ है? लक्ष्मी, मुझे समझने का प्रयास करो। समझती हूँ प्रभु, अच्छी तरह समझती हूँ। युग युग से तो मैं आपको ही समझती आई हूँ। त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास काटने के बाद भी मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, क्या ये भी बड़े भैया का आदेश था? गर्भावस्था में निर्वासित होने का दंड भोगना पड़ा, क्या ये भी बड़े भैया का आदेश था? द्वापर युग में विरह वेदना से मुझे पीड़ित होना पड़ा, क्या ये भी बड़े भैया का आदेश था? नहीं प्रभु, इस तरह से प्रताड़ित करना आपका स्वभाव है, फिर इस युग में आपसे न्याय की आशा कैसे की जा सकती है? ऐसी बात कहकर मुझे निर्बल मत बनाओ देवी, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ ये आदेश बड़े भैया का है, और तुम तो जानती हो उनके आदेश का मैं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। वैसे भी तो दोष तुम्हारा ही है। दोष? हाँ, अगर भक्तों की पुकार सुनना आपकी दृष्टि में दोष है तो मैं दोषी हूँ। परंतु प्रभु, संभवतः आप भूल रहे हैं, विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरे 10 दोषों को क्षमा करेंगे। ठीक है, जब आपने मेरा त्याग करने का निर्णय ले ही लिया है तो मेरा यहाँ एक क्षण भी रुकना उचित नहीं होगा। मैं इसी मुहूर्त से श्री मंदिर का त्याग करती हूँ। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, जिस परिवार में नारी का आदर नहीं है, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं बसती। मुझे अब ये प्रमाणित करना होगा कि प्रत्येक नारी स्वयं में ही लक्ष्मी है,
और लक्ष्मीहीन पुरुष के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं। ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? ये आप ही के कहने हैं, इसलिए आपको लौटा रही हूँ। नहीं लक्ष्मी, ये सब तुम रख लो। मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। पत्नी का त्याग करने के बाद 6 माह तक उसके भरण पोषण का दायित्व पति का होता है। इनको तुम वही समझ कर रख लो। ओ, ऐश्वर्य की देवी को ऐश्वर्य का प्रलोभन, ऐसा कहकर आप मुझे और अपमानित कर रहे हैं। कहाँ गई आपकी मर्यादा? जब स्वयं भगवान ही नारी जाति का अपमान कर रहे हैं, तो इससे मानव जाति को भला क्या सीख मिलेगी? और सहा नहीं जाता। अब ये संपूर्ण नारी जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं जा रही हूँ, पर जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। यदि चंद्र सूर्य सत्य हैं, दसों दिक्पाल सत्य हैं, यदि मैं सती नारी हूँ, यदि मैंने मन वचन और शरीर से प्रभु की सेवा की है, तो आपको मेरा श्राप है। आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न तो अन्न, जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। जल और अन्न के लिए अब द्वार द्वार भिक्षुकों की तरह भटकते रहेंगे, और जब तक ये अछूत आपको भोजन न कराए, आप भूखे ही रहेंगे। प्रणाम। इस अवस्था में रो रही है, क्या हुआ है तुझे पुत्री? पिताश्री। चल घर पर चल, दामाद जी कहाँ हैं? पिताश्री, आपके दामाद ने अकारण ही मेरा त्याग कर दिया है। हाँ? अब श्री मंदिर मेरा घर नहीं रहा। दामाद जी ने तुझे त्याग दिया? क्या कह रही है तू? हाँ पिताश्री, मैं सत्य कह रही हूँ। अच्छा, तेरे इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। वो संभवतः ये भूल रहे हैं कि तू महापराक्रमी रत्नाकर की कन्या है। अभी इसी क्षण संपूर्ण शिव मंदिर को महासमुद्र में विलीन कर दूंगा। नहीं पिताश्री, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं अपने अपमान का प्रतिशोध स्वयं लूंगी। ठीक है पुत्री, जैसी तेरी इच्छा। चल, आज से तू अपने पिता के घर में रहेगी। नहीं पिताश्री, ये भी संभव नहीं होगा। सिर्फ आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी है कि विवाह के पश्चात ससुराल ही स्त्री का घर होता है। अकारण पिता के घर आना उचित नहीं होगा। यदि मैंने ऐसा किया तो ये संसार मुझसे क्या शिक्षा ग्रहण करेगा? जो भी स्त्री अपने स्वामी के द्वारा प्रताड़ित होगी, वो अपने पिता के घर आश्रय लेगी। इसलिए मैं अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं ही लड़ना चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, जिससे मैं इस परीक्षा में सफल हो सकूं। मुझे तुझ पर गर्व है पुत्री, तू इस परीक्षा में अवश्य सफल होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है पुत्री। प्रणाम मातेश्वरी। तुम्हारा कल्याण। आदेश कीजिए माताश्री। इस समुद्र तट पर मुझे कुछ दिन विश्राम करने की इच्छा है, अतः क्या आप मेरे लिए श्री मंदिर जैसा ही एक प्रासाद का निर्माण कर सकते हैं? मैं सृष्टि की सृजनकर्ता और पालनहारिणी माता लक्ष्मी के निवास हेतु इस जगत में मैं एक सुंदर सा प्रासाद अवश्य निर्माण करूँगा माता। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। परंतु माता, श्री मंदिर को त्याग करके यहाँ क्यों रहना चाहती है? केवल श्री मंदिर ही लक्ष्मी का स्थान नहीं, जहाँ श्री निवास करेगी वो स्थान ही श्री मंदिर बन जाएगा। यथा आज्ञा मातेश्वरी।
आशीर्वाद। जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। अपूर्व अपूर्व, द्वितीय श्री मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा है माते। प्रणाम देवर्षि। मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था देवर्षि। ये किंतु प्रभु का आपके प्रति घोर अन्याय है माते, घोर अन्याय। सारे के सारे दोष बड़े भाई के सर थोप कर स्वयं सावधानी पूर्वक खिसक जाने का ये अच्छा बहाना है। पर मैं उन्हें इतनी सरलता से नहीं छोड़ने वाली हूँ देवर्षि। मेरे धैर्य की सीमा टूट चुकी है। अब दोनों भाइयों को ये जानना आवश्यक है कि लक्ष्मीहीन होने का परिणाम क्या होता है। नारायण नारायण, पति पत्नी के कलह में मैं सम्मिलित नहीं हो सकता माते। वैसे ही मैं कलहप्रिय के नाम से जाना जाता हूँ। परंतु जो कुछ भी हो, प्रभु के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। समय समय पर आप भी अपने प्रभु की तरह रहस्यमय हो जाते हैं देवर्षि नारद। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। इतनी रात हो गई, सोए नहीं? क्या सोच रहे हो? नींद नहीं आ रही है भैया। ओ, समझ गया। लक्ष्मी श्री मंदिर त्याग कर चली गई, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? ठीक है, तुम चाहो तो अपनी पत्नी के साथ जाकर रह सकते हो। मैं यहाँ प्रसन्न हूँ। आप बार बार मुझे ऐसी बात कहकर क्यों कष्ट देते हैं भैया? यदि पास नहीं रखना चाहते हैं तो स्पष्ट कह दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे जगन, संसार में मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। रात बहुत हो गई है, चल विश्राम करते हैं। चलिए। प्रणाम माते। प्रणाम। हमारे लिए क्या आज्ञा है माते? जाओ अष्ट बेताल, मेरी आज्ञा से इसी मुहूर्त श्री मंदिर जाकर 52 कोटि भंडार के साथ साथ श्री मंदिर के श्री को भी लुप्त कर दो। जो आज्ञा माते। परंतु प्रभु जी भी तो वहाँ विराजमान होंगे, अगर उनकी निद्रा खुल गई तो? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसका भी प्रबंध कर दूंगी। हाँ माते। ठीक है माते। तुम जाओ। प्रणाम। प्रणाम माते। प्रणाम। अनायास मुझे याद करने का कारण क्या है माँ? सारे संसार की उलझनों से क्या माँ की निद्रा उड़ गई है? संसार की उलझनों से घर की उलझन अधिक उलझ गई है निद्रा देवी। आदेश कीजिए माता, मुझे क्या करना होगा? आप इसी मुहूर्त श्री मंदिर में जाकर दोनों भाइयों को माया निद्रा में सुला दीजिए, ताकि कल दोपहर से पूर्व उनकी निद्रा ना भंग हो। यथा आज्ञा माता श्री। आजा, 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 आज
जगन, अरे ए जगन, अरे उठ ना। नहीं भैया, मुझे बहुत आलस से आ रहा है। अरे श्री मंदिर में कोई कोलाहल नहीं, पंडाओं की भी बोलचाल बंद है, शंख तूरी मृदंग किसी का कोई स्वर नहीं। जगन, अरे जगन, रस्सी वाला खाट, जगन जगन, रत्न पलंग कहाँ गया और हमारे आभूषण? अरे हाँ भैया, श्री मंदिर के सब वस्तुएं गायब, ये माया जादू है या फिर चोरी? अरे हम दोनों तो गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ भैया, आज तक मैं ऐसी नींद कभी नहीं सोया, ये माया भी नींद हो सकती है भैया, आश्चर्य भैया। अरे जगन, मुंह धोने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। हाँ? दास दासी सब किधर गए, कहाँ है सब? भैया चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। चलो चलते भैया, चलिए। अरे ये क्या, भंडार घर खाली, रसोई शाला की भी वही अवस्था, अरे संदूक भी खाली, एक रात में इतनी सारी घटनाएं कैसे घट गई? अब भैया, मुझे लगता है लक्ष्मी के हमें छोड़ जाने के बाद से ही तो ये घटनाएं नहीं घट रही हैं। हाँ, मुझे पता था तू यही कहेगा। अरे अगर किसी की पत्नी रूठ कर चली जाए या उसे छोड़ कर चली जाए तो उसका पति क्या जीवित नहीं रहता? हम भी दिखा देंगे पत्नी के बिना भी पति जीवित रह सकता है। हाँ ये बात तो ठीक है भैया, पर हम खाएंगे क्या? हा? बिना खाए हम जीवित कैसे रह सकते हैं? यदि चंद्र सूर्य सत्य हैं, दसों दिक्पाल सत्य हैं, यदि मैं सती नारी हूं तो आपको मेरा श्राप है। आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न तो अन्न, जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अरे जगन, अरे कुछ मिला या नहीं? 3 दिन से निर्जल उपवास है। अरे ठीक से देख, कुछ तो बचा होगा। अरे तू अकेला ही सब खा गया? तुझे अच्छी तरह से पता है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी तुझे दया नहीं आई? देखो ऊपर से निर्लज की तरह हंसे जा रहा है, पेटू कहीं का। मुझ पर क्यों कुपित होते हैं भैया? हांडी बर्तन के बीच खाना ढूंढते ढूंढते मेरा शरीर पूरा काला हो गया, पर कुछ नहीं मिला। मुझसे भूख अब सही नहीं जाती भैया। अरे चल और एक बार भंडार घर देख आते हैं, संभव तो कुछ मिल जाए। ठीक है चल। चलिए भैया। हाँ, चलिए। जगन ठीक से देख, कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। आप भी देखिए ना भैया। हाँ हाँ। अरे कुछ है लगता है। अरे क्या हुआ भैया? अरे कुछ खाना मिला? अरे रुक ना। अरे अकेले अकेले भैया। अरे रुक, मैं भी सही देखने दे। अरे भैया जगन। हाँ क्या हुआ भैया? जगन सोने की अंगूठी मिली है। सोने की अंगूठी? हाँ भैया, इसे बेच कर कुछ खा पी लेते हैं। चलो चलिए 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 जल्दी चलो। जय हो, जय जगन्नाथ, कृपा करना इस बालक पर, दया रखना, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ। अरे ब्राह्मण देवता, सुबह सुबह लक्ष्मी जी का पूजन किया और आपके दर्शन हुए। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। अच्छा कुछ काम था? महाशय ये सोने की अंगूठी देखकर बताइए, इसका हमें क्या मिल सकता है? इसे बेचेंगे क्या? हाँ पर इसका मूल्य उचित मिले तो। हाँ, लगता है आप दोनों बहुत बुद्धिमान हैं। लाओ देखूं तो। लीजिए। ये अंगूठी तुम्हारे बाप दादा के समय की है या तुम दोनों ने अपने परिश्रम से बनवाया है? देखो महाशय, शालीनता से बात करो। क्या मैं शालीनता से बात करूं? तुम दोनों इस जगन्नाथपुरी में कहां से उठकर आए हो? मुझे पीतल की अंगूठी देकर ठगना चाहते हो? क्या कहा आपने, पीतल की अंगूठी? नहीं, सोने की अंगूठी। जाओ भेज लो, चोर ठग कहीं के। भैया ये हमको चोर कह रहा है। हाँ बोला तो क्या हुआ,
चोर ठग अधर्मी पापी निकलो निकलो मेरी दुकान से निकलते हो अरे सोचा था सुबह सुबह धंधा अच्छा होगा इन्होंने पूरा दिन चौपट कर दिया हे जगन्नाथ नयन तारा ये चांदनी रात ये शीतल हवा की झोंके और तुम्हारे हाथ की सुरा मन को मतवाला कर रही आज की रात तुम केवल मेरे लिए नाचो केवल मेरे लिए नहीं नहीं नयन तारा नहीं नाचेगी अगर नाचेगी तो केवल मेरे लिए क्योंकि नयन तारा का मन मेरे पास गिर भी है मेरे पास पेड़ की छाव और नर्तकी का मन इन दोनों को भला कभी कोई बांध सका है सौदागर धन जहाँ हो मन वही होता है क्यों नयन तारा और तुम्हें मना करने वाला ये होता है कौन कौन होता हूँ मैं जाना चाहते कौन होता हूँ देखो लक्ष्मी पूजा की या नहीं पूजा कैसे नहीं करती अच्छा? अरे श्रिया देख तो वहाँ कौन पड़ा है हाँ पारो चल देखते हैं ये आदमी जीवित भी है या नहीं अरे अरे ये तो सौदागर है सौदागर बाने जाने कौन मार के छोड़ गया इसे बाने बाने आया से मेरा गला सूखा जा रहा है अरे अरे ये क्या कर रही है श्रिया हमारे हाथ से पानी पीने से सौदागर की जात नहीं चली जाएगी फिर से अपमानित होना चाहती है अधिक से अधिक क्या होगा हो सकता है राजा हमें मृत्यु दंड दे दे पर पहले इसे हमें बचाना चाहिए बाद में जात पात देखेंगे आ, पकड़ तो सही ला पानी ला चल पकड़ तुम श्रिया मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक आपको पानी पिलाने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था मुझे क्षमा कर दीजिए नहीं श्रिया क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए मैंने मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए पर आज तुमने मेरा जीवन बचाया है मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो श्रेया जगन्नाथ परिस्थितिवश हमें वेश बदलना ही पड़ा हाँ भैया देखते हैं इस वेश में संसार हमें कैसे स्वीकार करता है भिखारी या भगवान ये अन्याय केवल तुम पर ही नहीं समस्त नारी जाति पर हुआ है
देवता होकर एक सामान्य बात पर पत्नी का त्याग करना, अगर ये प्रथा चली तो संसार में पुरुषों द्वारा स्त्री यूं ही लांछित होती रहेगी, मातृत्व का अंत हो जाएगा, नारी जाति का कोई महत्व नहीं रहेगा। तुम ठीक कहती हो बहन, नारी के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करनी ही होगी, नहीं तो पुरुष जाति यूं ही नारी जाति पर अत्याचार करती रहेगी। हाँ, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ प्रभु बारंबार इस तरह के अत्याचार क्यों करते हैं। इस तरह के अन्याय से मुझे बहुत दुख होता है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। क्या तुम्हारे द्वारा कोई कार्य असंभव है सरस्वती? मैं तुम्हारा संकेत समझती हूँ, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। यहाँ कुछ मिलेगा, ये मेरा। सुनिए, क्या है गंजप्पा, खेलोगे? नहीं नहीं, जोर से भूख लगी है। अरे कुछ खाने को मिलेगा? भूखे हो? ए भूखे हो क्या? लो भांग पी लो, भूख प्यास सब मिट जाएगी। भैया ये क्या कर रहे हो, ये भांग है? अरे ये किसी काम के नहीं है। भैया हाँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, अब तो चलने की भी शक्ति नहीं रही। अरे जगन, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। अरे ओ जगन, ये तो बड़े पंडे का घर है, चल हम दोनों गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, संभवतः वो हमें ब्राह्मण समझकर कुछ खाने को दे दे। चल चल आराम कर। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सुंदर वेदोच्चारण धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा लगता है जैसे उच्च कोटि के ब्राह्मणगण हमारे द्वार पर आए हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्राह्मण हो किंतु माथे पर तिलक नहीं है, चंदन नहीं है, और ऊपर से वेद पाठ कर रहे हो, अरे कैसे ब्राह्मण हो? चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे तुम लोगों को भिक्षा देने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्मी चली कहीं के, चलो भागो यहाँ से। अरे जाते हो यहाँ से, लगाओ दो हाथ, चलो अंदर चलो। जगन, वो बड़े पंडे की मति भ्रष्ट हो गई है क्या? उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे मालूम है भैया, हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार होता ही रहेगा। जब देखो वही रट, लक्ष्मी हमें छोड़कर चली गई, इसीलिए ये सब हो रहा है। नहीं भैया, मैं कह रहा था बड़े पंडे तो देवता और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पता नहीं आज उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। भैया तीव्र भूख लगी है, चलने की भी शक्ति नहीं है। अरे जगन तनिक धैर्य तो धरो, आगे चलो, खाना अवश्य मिलेगा। हाँ चले। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर। भैया इस श्लोक पाठ से कुछ मिलने वाला नहीं है, मुंह खोलकर मांगना पड़ेगा। हाँ अब माँ 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 भूखे पेट घूम घाम के आपके द्वार पर आए हैं, माँ दया करो माँ। माँ 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 क्या बात है बेटा, खाने को कुछ दो माँ, बहुत दिनों से भूखे हैं माँ। ब्राह्मण अतिथि भाग्य वालों के यहाँ आते हैं। आओ आओ जगन। आओ बैठो बैठो, बैठ बैठ, मैं अभी आती हूँ। हाँ भैया। अरे चुप,
आ बेटा लो ये रखो, इसे रखो ले। जा बेटी तू रसोई देख। हाँ माँ जी। हाँ अच्छा बेटा तुम लोग क्या भाई भाई हो? हाँ हम दोनों भाई भाई हैं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालिया, ये बलिया। हाँ। श्री क्षेत्रपुरी निवासी ब्राह्मण है। अरे वाह, जैसा नाम वैसा रूप भी मिला है। पर बेटा तुम्हारा क्या कोई नहीं है? तुम काम धाम क्यों नहीं करते हो? बड़े घर में जन्म हुआ था माँ, पर आज दुर्भाग्य से द्वार द्वार भटक रहे हैं। हमें यहाँ काम करने में लज्जा आती है और भिक्षा मांगने में संकोच। ये तुम्हारे भाग्य का दोष नहीं है, लक्ष्मीहीन होने से ही ऐसा होता है। अरे बहू भोजन बन गया क्या? माँ। विश्वव्यापी पवन देव, आपसे मेरा एक अनुरोध है। अनुरोध कैसा माँ, आदेश कीजिए। दोनों भाइयों को जहाँ भी भोजन मिले उसे तुरंत उड़ा ले जाइए। माता मैं अपनी शक्ति और पराक्रम से संपूर्ण ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ, परंतु माता। पवन देव, प्रभु जी भूखे रहेंगे तो ही भूख की ज्वाला को समझ पाएंगे। जो आज्ञा माता। बहू भोजन बन गया क्या? हाँ माँ जी, सब कुछ अच्छी तरह से तैयार हो गया। आपने ना? जैसे कहा था वैसे ही बनाया। अच्छा। है। अच्छा भैया। हाँ? अब भोजन मिलने वाला है, भर पेट खाएंगे, बहुत आनंद आएगा। अरे पहले भोजन तो आने दे। हाँ बहू जी, तू नींबू मिर्ची ले आ और ये मार ले जाकर बाहर फेंक दे। हाँ माँ जी, जल्दी जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? पलक झपकते ही सारा भात उड़ गया। ये सब उन दोनों के कारण हुआ है। लक्ष्मी हीन कहीं के? अरे अभी बताती हूँ उन्हें। कहाँ है, कहाँ है वो दोनों बदमाश? काम चोर, लक्ष्मी हीन, तुम्हारे कारण मेरे घर का भात उड़ गया। और कुछ देर रुकोगे मेरी घर की छत भी उड़ जाएगी। निकलो 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 यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। अरे अरे चलो चलो भागो, मुर मुर सा, चलो भागो यहाँ से। अरे भैया, चलो जाओ यहाँ से, जाने अरे भागो भैया, अरे भागो भैया, जाने कहाँ से आ जाते हैं। झाड़ू से तो यशोदा मैया ने भी नहीं मारा था। हाँ ये गांव अच्छा लगता है। हाँ ये अच्छा। लाई ले लो लाई, लाई ले लो लाई। अरे जा बच्चों मुद्राएं तो लेकर आओ। लाई ले लो लाई, लाई ले लो लाई, लाई ले लो लाई। अरे लाई ले लो भाई। आई थोड़ी लाई मिलेगी, बहुत दिनों से भूखे हैं हम। आई हाँ। मिलेगी मिलेगी मिलेगी, परंतु हमारे पास तो एक भी मुद्रा नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ, मैं देता हूँ। अरे बेटा एक निर्धन ही एक निर्धन की भूख समझ सकता है। तुम लोगों की भूख मिटा देने से जगन्नाथ जी मुझ पे दया करेंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अरे अरे ये क्या हुआ भैया? अरे मेरी लाई कहाँ गई? अरे मैं कंगाल हो गया रे। तुम लोग लक्ष्मीहीन हो, तुम्हारा मुंह देखना पाप है। जाओ भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो भागो भैया भागो। अरे ये क्या हुआ रे? प्रभु जी अपराध क्षमा करो प्रभु। क्या हुआ पंडित जी? प्रभु जी नहीं विराजे तो फिर क्या भोग नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जय हो,
माम त्राहि माम त्राहि माम। नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। प्रभु जी, क्या सचमुच श्री मंदिर छोड़कर चले गए? यह असंभव है, फिर ऐसा दुःस्वप्न क्यों है? हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? आपका स्वप्न निरर्थक नहीं है महाराज, महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर में नहीं है। यह क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? महाराज, महामंत्री जी ने ठीक ही कहा है, भोग लगाते समय प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो क्या किया जाए? हे प्रभु, इस राज्य का क्या होगा? क्या ये उत्कल राज श्रीहीन हो जाएगा? जिस देश में जनता जनार्दन की उपेक्षा हो, साधारण मानव के अधिकार पर लूटपाट हो, वहाँ श्री मंदिर में श्री का न रहना स्वाभाविक है महाराज। क्योंकि श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ समस्त मानव जाति के प्रतिनिधि हैं और वो स्वयं मानव अवतार है महाराज। ओ, आप हैं ब्राह्मण? दृष्टता क्षमा हो राजन, परंतु मुझे यहाँ पकड़ लाने का उद्देश्य क्या मैं जान सकता हूँ? आपके विरुद्ध विचार होगा ब्राह्मण। मेरा अपराध क्या है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, राजा और राज्य की कभी मैंने उपेक्षा नहीं की। आप पर राजद्रोह का आरोप है ब्राह्मण। अच्छा, तो क्या एक पतित जाति के मन में भगवान की पूजा करने के अधिकार को जगाना राजद्रोह है? यदि देश का राजा विचारहीन हो, उसे चेतावनी देना क्या राजद्रोह है? विचारहीन? संस्कृति के विरुद्ध जाना क्या विचारहीनता नहीं है? संस्कृति कभी निर्दिष्ट विचारों में सीमाबद्ध नहीं होती महाराज, संस्कृति का अर्थ है मानवता। पर आपकी ये विचारधारा समाज को क्या स्वीकार होगी? क्यों नहीं होगी महाराज, अवश्य होगी, क्योंकि ये विचारधारा केवल मेरी नहीं है, ये जाति की, देश की, प्रभु जगन्नाथ की है। जो जगत के नाथ है वे किसी श्रेणी या वर्ग के नहीं है महाराज, बल्कि समग्र विश्व की जाति, धर्म और वर्ग के हैं। तो फिर महाराज, एक तरफ तो आप इस आदर्श की गुप्त हत्या कर रहे हैं और साथ ही देवता और मनुष्य के अंदर आप एक बहुत बड़े अंतर की सृष्टि कर रहे हैं महाराज। ब्राह्मण, आज से तुम राजद्रोह के आरोप में बंदी हो। सेनापति, बनाइए मुझे बंदी महाराज। जो राजा एक विशाल जाति को आजीवन बंदी बना सकता है, ऐसे राजा से और क्या आशा की जा सकती है? व्यर्थ प्रलाप बंद करो ब्राह्मण। महाराज, इस राजद्रोही ब्राह्मण को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ठीक कहा राजपुरोहित जी, इसे दंड अवश्य मिले और वो दंड इसे हम अपने हाथों से देंगे। यही आपका दंड है। ये क्या है राजन? मेरे अंदर की सुप्त चेतना को आपने जागृत किया है। आप साधारण मनुष्य नहीं है, देवता है। आप महान है महाराज। जो राजा एक सामान्य प्रजा के लिए दीपदान कर सकता है, वो वास्तव में उत्कल के शिरोमणि होने के योग्य है। आप इस दीपक को समग्र विश्व में प्रज्वलित कीजिए महाराज, ताकि समस्त मानव जाति ये समझ सके, जाति धर्म और वर्ण की आड़ में हर मनुष्य समान है। गजपति महाराज की जय हो, गजपति महाराज की जय हो। हे सभावृंद, जब तक जगन्नाथ और बलभद्र महाप्रभु श्री मंदिर लौटकर नहीं आ जाते तथा इन पतित जातियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक मैं ये राजमुकुट धारण नहीं करूंगा। महाराज, ये मेरी प्रतिज्ञा है। गजपति महाराज की जय। गजपति महाराज की जय। देखो, तुम्हारे ससुर रत्ना का भी हम पर शत्रुता निकाल रहे हैं। हाँ भैया, सत्य का जैसी पुत्री वैसा पिता। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? संभल कर। हे सूर्यदेव, अपने तेज प्रकाश से इतनी भीषण गर्मी उत्पन्न कर दीजिए जिससे पीड़ित होकर दोनों प्रभु त्राही त्राही करें। वाह।
हे प्रभु जगन्नाथ, क्या सचमुच मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? मैं अपनी भूल समझ गया हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने बड़े होके बच्चों जैसे रो रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें प्यास लगी है। हाँ, प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है। पानी पियोगे? हाँ, प्यास बुझ गई क्या? आत्मा तृप्त हो गई। ये पानी नहीं, अमृत है। ऐसा पानी मैंने जीवन में कभी नहीं पिया था। बेटा, प्रभु जगन्नाथ तेरा भला करें। अच्छा बेटा बोल, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहता है? तू यहाँ क्या कर रहा है? रुकिए रुकिए, आप इतने सारे प्रश्न एक साथ करेंगे तो उनके उत्तर मैं कैसे दूंगा? मैं एक चरवाहा हूँ, यहाँ अपनी गाय चरा रहा था, आपको ऐसे रोते हुए देखा इसलिए चला आया। अब आप बोलिए, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रो रहे थे? तू समझ नहीं पाएगा बेटा, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैं अपने प्रभु को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं भी मुझे नहीं मिल रहे। इतने बड़े हो गए हो फिर भी इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए, प्रभु तो आपके पास ही है। क्या कहा? मेरे पास? कहाँ कहाँ है प्रभु? ओहो, तुम्हारे पास मतलब यहाँ वहाँ चारों ओर। माँ तो कहती है प्रभु हर जगह है, फिर तुम किसे ढूंढ रहे हो? इतना छोटा सा बच्चा बड़े ज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन प्रभु को तो ढूंढना पड़ता है बेटा, और अभी तक मेरी वो खोज समाप्त नहीं हुई है। मैं जाऊं? ठीक है, जाओ जाओ, मुझे लगता है तुम्हारी खोज शीघ्र समाप्त होने वाली है। तुम्हारी बात सच हो बेटा, अब मैं चलता हूँ। जगन्नाथ तेरा भला करे। कहते थे प्रभु, आप सच कहते थे, आप मेरे पास थे। मैं अभागा आपको पहचान नहीं सका, मैं अभागा आपको पहचान नहीं सका प्रभु। नारायण ना, ये क्या जगह? जननी माँ लक्ष्मी की नैनों में अश्रु? ओ समझा, पर चिंता न करें माते, मुझे लगता है इस बार दोनों भाई अपनी भूल अवश्य मान जाएंगे। बार बार भूल करना जिनका स्वभाव सा हो गया है, उनके लिए मानना न मानना सब समान है देवर्षि। परंतु माते, उन पे क्रोध करके अपने आप को क्यों कष्ट दे रही हैं? और कितने दिन उपवास करेंगी? इस तरह तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी माते, चारों ओर घोर विपत्ति छा जाएगी। स्वामी और ज्येष्ठ भ्राता श्री जब भूखे प्यासे द्वार द्वार भटक रहे हैं, तो मेरा भोजन करना क्या उचित होगा देवर्षि? परंतु जो भी हो, नारी जाति के प्रति उनके मन में जो कुविचार हैं, उसका समुचित प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। जगन, अरे ओ जगन, क्या सोच रहे हो? लक्ष्मी के बारे में सोच रहा था। देखिए ना, हमारी छाया पड़ते ही लाई उड़ जाती है, भात उड़ जाता है। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, लाई उड़ गई तो लक्ष्मी, भात उड़ गया तो लक्ष्मी, लक्ष्मी के कारण तेरी तो मथी भ्रष्ट हो गई है। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र। देवर्षि, आप यहाँ? और एक प्रभु, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे। श्री मंदिर का रत्न सिंहासन भी रिक्त है, माँ लक्ष्मी के भी दर्शन नहीं हुए। ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ पाया प्रभु, परंतु प्रभु ये कौन सी लीला है? स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ
बड़े प्रभु अनंत महाप्रभु इस साधारण दीनहीन भेष में नारायण नारायण जो भी कहिए प्रभु, माँ लक्ष्मी ने ये बहुत ही अन्याय किया है। देवर्षि नारद, लक्ष्मी के प्रसंग के बिना आपको कुछ कहना है? आप तो वैरागी हैं, फिर संसार के रीति रीति के बारे में आपको क्या पता? बड़े ठाकुर, कदाचित मेरे कहने का अर्थ ठीक से नहीं समझे। मैं कह रहा था कि माँ लक्ष्मी के कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है। अरे, पारिवारिक जीवन में भूल चूक तो होती रहती है, क्या उसके लिए पति और जेठ को श्राप देना क्या उचित है? नारायण नारायण, एक गृहिणी होने के नाते ये उनका अन्याय है प्रभु। देवर्षि नारद, आप अपना और हमारा समय नष्ट कर रहे हैं, आप अब जा सकते हैं। नारायण नारायण। नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट ये सब तुमने किया है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट। लक्ष्मी महारानी पूज्य शिरोमणि अन्नदात्री कहलाए, लक्ष्मी महारानी पूज्य शिरोमणि अन्नदात्री कहलाए, छप्पन कोटि प्राणी उनकी दया पे बैठे हैं आस लगाए, उनसे झगड़ने को किसने कहा था, उनसे झगड़ने को किसने कहा था, श्रीहीन हो गए ना। नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट ये सब तुमने किया है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट। छप्पन भोग तो हो गए सपने, फिर दे हो भूखे प्यासे, छप्पन भोग तो हो गए सपने, फिर दे हो भूखे प्यासे, खंडवा दक्षिणी सोनपुरी पट उतर गए हैं तन से, राजपाट छोड़ो किसने कहा था, राजपाट छोड़ो किसने कहा था, निर्धन हो गए ना। नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट ये सब तुमने किया है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट। साल से भटक रहे हो, पाया ना कोई ठिकाना, बारह साल से भटक रहे हो, पाया ना कोई ठिकाना, सरपुली खा जा, सरपुली खा जा, मिष्ठान झूठा मिला नहीं है खाना, जिद ने तुम्हारी तुमसे मुरारी, जिद ने तुम्हारी तुमसे मुरारी, रत्न सिंहासन छीना। नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट ये सब तुमने किया है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट। जय श्री राम। प्रभु, प्रभु, प्रणाम। हनुमान, तुम यहाँ? ये कैसी माया है प्रभु, आपका कष्ट देखकर मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप दोनों भाइयों को दोनों कंधों पर बैठाकर अपने प्रासाद में ले जाऊंगा, आपकी दया से मेरे प्रासाद में अन्नजल का कोई अभाव नहीं है। नहीं हनुमान, विधि के विधान का
पालन तो करना ही होगा। हम तुम्हारी भक्ति और सेवा से युगों युगों से संतुष्ट हैं। जाओ हनुमान, उचित समय पर हम तुम्हारा स्मरण करेंगे। जाओ। जैसी आपकी इच्छा महाप्रभु। प्रणाम। प्रमिला। हाँ? क्या हुआ बताइए। प्रमिला मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। प्रमिला मैं और नहीं सह सकता। देखिए आप ऐसे बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं लेप लगा देती हूँ, आराम मिलेगा। नहीं प्रमिला, रहने दो। मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। हे भगवान, ऐसी बातें मत कीजिए। आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरा क्या होगा? कुछ मेरे बारे में तो सोचिए। प्रमिला, मैंने जीवन में बहुत पाप किए। मूर्खों की कमाई को यूं ही उड़ा दिया। मैंने तुमको भी बहुत कष्ट दिए। क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? जी, आप सो जाइए। आपको मेरी सौगंध है, सो जाइए, सो जाइए। सो जाऊंगा, मुझे तो सोना होगा। सो जाऊंगा। देखिए आप महालक्ष्मी को पुकारिए, वो सब ठीक कर देंगी। महालक्ष्मी, क्या वो मेरी पुकार सुनेंगी? मैंने तो जीवन भर उनकी अवमानना की है, क्या वो मुझे क्षमा करेंगी? माँ तो माँ होती है, बेटे के मन की पुकार को वो कभी अनसुना नहीं कर सकती। मेरी बात मानिए, आप एक बार सच्चे मन से माँ को पुकारिए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। माँ को पुकारिए, माँ को पुकारिए। हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो। माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सरकार, 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 खोए हुए जहाज का पता चल चुका है। सरकार, एक द्वीप में फंसा हुआ था, कल सुबह सुबह वो सागर किनारे लगने वाला है। देखा, देखा आपने, माने कैसे अपने बेटे की पुकार सुन ली। हाँ, प्रमिला, हे माँ दया मई, कृपा मई। बड़ी आश्चर्य की बात है जगन, इतनी जगह घूम घूम कर आए परंतु अन्न का एक दाना भी कहीं से नहीं मिला। मिलने की आशा क्या अब भी बाकी है भैया? मेरी तो सब आशा और धैर्य टूट चुके हैं। आपको बहुत भूख लग रही है ना? अरे मेरी बात छोड़, तू तो महापेटू है, 56 प्रकार के भोग भी तुम्हें कम पड़ते हैं। तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? मुझे बहुत प्यास लग रही है। प्यास लग रही है? चल चल, पहले कहीं पानी पीते हैं। चल चल, फिर भोजन की सोचेंगे। हाँ हाँ। माँ प्रणाम। भूख से पेट कुलबुला रहा है, मेरे छोटे भाई को भी बहुत प्यास लगी है।
अगर थोड़ा सा पानी पिला दोगी तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा माँ। मेरा सौभाग्य है कि अतिथि मेरे द्वार आए। आप लोग ठहरिए, मैं थोड़े फल लेकर आती हूँ। नहीं भैया, थोड़ा सा पानी पिला दो, कंठ सूख रहा है। दो भैया। हाँ। आप ब्राह्मण हैं? हाँ हाँ, दो पानी दो। ना ना, मैं आप ब्राह्मणों को पानी पिलाऊं? ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं है। हम ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ, तुम इसको पानी पिला दो। माँ, प्रभु की कृपा हम पर है, पर ये समाज हमें आज्ञा नहीं देता। ये पाप मैं नहीं कर सकती प्रभु, मैं अछूत हूँ। जिस जात का मुंह देखना पाप है, उसके हाथ से आप पानी कैसे पियेंगे? तो ठीक है, मैं स्वयं पानी निकालूंगा। नहीं जगन, मत छू, हमारा हाथ लगते ही इस कुएं का भी पानी सूख जाएगा। तो क्या अतिथि मेरे द्वार से ऐसे ही लौट जाएंगे? सेवा का सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा? दुखी मत हो माँ, लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सेवा पाने का सौभाग्य हमारा नहीं। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कल्याण हो। कौन थे ये लोग? पलक झपकते ही अंदर ध्यान हो गए। गोरे काले दो भाई, कहीं वो मेरे प्रभु तो नहीं? ये कैसे माया है प्रभु? महाप्रभु, 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 प्रभु, महाप्रभु, 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 क्या आपने मेरे महाप्रभु को इस मार्ग से जाते हुए देखा है? तुम कौन हो भद्रे, और इस प्रकार व्याकुल होकर किस प्रभु को ढूंढ रही हो? मेरे महाप्रभु को दोनों ही प्रकट हुए थे, फिर अचानक दोनों ही अदृश्य हो गए। ये तुम क्या कह रही हो? सच बताओ, तुम कौन हो प्रभु के लिए इतना? मैं एक अभागिन हूँ, मैं एक अछूत हूँ। अछूत? कहीं तुम वो श्रिया तो नहीं हो? हाँ, मैं वही श्रिया। हाँ? वही अभागिन हूँ। तुम बहुत ही पुण्यवती हो बेटी, तुम बहुत पुण्यवती हो। प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए, बुलाओ बुलाओ ने, तुम्हारी पुकार सुनकर वो फिर से श्री मंदिर में वापस लौट आए। बुलाओ बुलाओ ने, बुलाओ प्रभु, महाप्रभु, प्रभु, महाप्रभु। छोटी जात की होकर भी परम भक्तिमती थी। आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? उसी अछूत श्रेया की। मेरे विचार में इस प्रकार की नारी के ऊपर कृपा करके बहुरानी ने कुछ भी भूल नहीं की। भैया, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? भक्तों पर कृपा करके ही लक्ष्मी ने कुलधर्म का उल्लंघन किया है और हमारा परित्याग किया है। और अधिक उपहास मत कर जगन, बहुरानी ने हमारा परित्याग नहीं, हमने किया था। जब तक बहुरानी पुनः श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। भैया आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चल चल। देवर्षि, कल मेरे 12 वर्ष के व्रत का उद्यापन है। समस्त देव देवियों को आमंत्रित करने का दायित्व मैं आपको ही सौंपती हूँ। ये तो अति आनंद की बात है माते। वैसे भी बहुत दिन हो गए माता जी के साथ प्रभु जी के दर्शन नहीं हुए हैं। चलो, कल ही ये सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं देवर्षि, उन दोनों भाइयों को आमंत्रित न करें। अछूत के हाथों भोजन करने से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसा मत कहिए माते, वो पहले ही बहुत पश्चाताप कर चुके हैं। यदि आपकी बातों में सत्यता है देवर्षि, तो वे स्वयं ही यहाँ आ जाएंगे। जय माँ, जय माँ लक्ष्मी। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें। क्या भोजन था, जैसे किसी राजा के घर का। इतना स्वादिष्ट भोजन जब भाग्य में रहता है तभी किसी को मिलता है। हे प्रभु जगन्नाथ, अन्नदाता पर दया रखना, जिससे ऐसा ही भोजन वो सदा देते रहे। क्या खीर थी, क्या खिचड़ी थी, क्या पूरी बालपुआ था, क्या रबड़ी कलाकंद था, क्या लड्डू था। आनंद आ गया, आनंद आ गया बाबा।
ये खाद्य आपको कहाँ से मिला? क्या हमें भी ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा? क्या आप लोग भिखारी हो? भिखारी नहीं, अब भूखे भिखारी हैं हम। कई दिनों से पेट में एक दाना भी नहीं गया। भूख और प्यास से प्राण निकल रहे हैं। अरे अरे, जब ऐसी बात है तो देर मत करो, शीघ्र जाओ। बाबा कहाँ जाएं? ये जो समुद्र के किनारे कुछ दूर आगे जाने के बाद एक प्रासाद है, वहाँ एक दयालु स्त्री रहती है, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी। वहाँ जो भी जाता है उसे भरपेट भोजन मिलता है। आप लोग भी वहाँ जाइए। चल चलिए भैया, चलिए, चल चल आइए। लेकिन भाई एक बात याद रखना, माँ लक्ष्मी के समक्ष अपने को समर्पित कर देना। माँ ही अपने बेटों की भूख समझती है। देखना आप लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। जाओ भाई जाओ, शीघ्र जाओ। आइए भैया चलिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भैया भैया पानी के पास चलिए ना, मेरे पैर जल रहे हैं। अरे पानी छोड़, चला चल चला चल। भैया तरीक रुकिए ना, धूप के मारे मेरे पैर जल रहे हैं और छाले भी पड़ गए हैं। अरे जगन शीघ्र शीघ्र आ जा, नीचे गमछा डाल कर आ जा। आ जल्दी आ जल्दी आ, बस थोड़ी ही दूर है। भैया आज आ जा, मुझे पेटू कहते थे पर आज आप तो मुझसे आगे निकल गए। अरे तू भी आ जा जल्दी आ, बस थोड़ी दूर है। भैया चमत्कार, क्या छटा है इस प्रासाद की? ये तो श्री मंदिर के जैसा प्रतीत होता है। अरे हाँ रे, आश्चर्य की बात है। परंतु जगन यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं देता। अब भैया, अरे जगन देखो देखो कोई आई है, बोलो ना। आप बोलिए ना। अरे तुम बोलो ना, आप बड़े हैं आप बोलिए ना। अरे देख तो, हमें देखकर क्या खुसर पुसर कर रहे हैं। अरे सखी लगता है खाना खाना चाहते हैं। देखने में तो अच्छे खासे हैं, पर देखने में अच्छे होते नहीं सच्चे। अरे इसी तरह के दो भाइयों ने हमारी मालकिन को कितना अपमानित किया था। हाँ इतने दिनों से नहीं खाया, आज पेट भर के खाऊंगा। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारे बनकर आते हैं। चलो चलो चलो। ये तो मुंह पर द्वार बंद कर चली गई। लगता है यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। भैया आपको जिधर जाना है जाइए भैया, मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे हैं। अरे जगन अंतिम बार प्रयास करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ये लोग हमें ब्राह्मण जानकर कुछ तो भिक्षा देंगे। चलो चलो आराम करो। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकिमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षी माम्रतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। मेरा तो उद्धार हो गया, आज प्रभु जी मेरे द्वार पधारे हैं। दासी दासी आदेश करें। देवी मालती वैशाली जाकर ब्राह्मण अतिथियों से पूछो उन्हें क्या चाहिए। जी देवी। और हाँ सुनो। जी। यदि वो भोजन के इच्छुक हो तो उन्हें पूछना, अछूत के घर भोजन करने में उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं। जो आज्ञा देवी। 12 वर्ष की मेरी तपस्या आज पूर्ण होने जा रही है। प्रभु जी बड़े प्रभु जी के साथ आज मेरे द्वार पर उपस्थित थे। तेरा क्या विचार है जगन? भैया जो करना है शीघ्र कीजिए, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। ठीक है, अपनी मालकिन से जाकर कहो हम दोनों के लिए सामग्री की व्यवस्था करें। हम दोनों भाई स्वयं अपने हाथों से खाना बनाएं। ठीक है चल रही। भैया हाँ
अरे खाना पकने तक मेरा धैर्य नहीं रहेगा भैया। अरे तेरी मति मारी गई है क्या? हम क्या अछूतों के घर का अन्न ग्रहण करेंगे? नहीं। अरे खाना बनने में कितना समय लगता है? यूं ही बन जाता है। भंडार घर से नए बर्तन, अन्न और व्यंजन की सभी सामग्री उन्हें दे आओ। और हाँ, तुम दोनों ब्राह्मणों के आसपास ही रहना ताकि किसी भी वस्तु की कमी ना रहे। जी महादेवी। दोनों प्रभु यदि अपने हाथों से रसोई पकाएं तो उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं होगी। फिर इस समाज में कोई भी पुरुष नारी को सम्मान नहीं देगा, नारी की आवश्यकता नहीं रहेगी। भैया और कितना विलंब होगा। आइए ब्राह्मण देव, भोजन की सब सामग्री प्रस्तुत है, बस आपको अपने हाथों से खाना बनाना है। भैया चलो चलो जल्दी चलो जल्दी, और कितनी दूर है? ब्राह्मण देव घबराइए नहीं, आपको उचित स्थान पर ही ले जाया जा रहा है। चलो चलो चलो। आइए ब्राह्मण देवता, यहाँ आपकी सारी सामग्री प्रस्तुत है, बस आपको खाना बनाना है और खाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग खाना बना लेंगे। और सुनो, और कुछ आवश्यकता हुई तो हम तुम्हें बुला लेंगे। हमारी परछाई से भी मानो नहीं छूट लग जाएगा। चल रही चल, एक जगह शीघ्र कर। यदि तन मन से स्वामी के आदर्श ही मेरे आदर्श हैं, यदि मैं सती नारी हूं तो हे अग्नि देव प्रकट मत होना, केवल धुआं ही धुआं फैलाना ताकि रसोई सिद्ध ना हो। अरे ओ जगह, अरे खाना बना कि नहीं? फूक मार मार कर आंखें अंधिया गई हैं, ये चूल्हा है कि जलता ही नहीं है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। अरे अभी तक तो पानी भी गर्म नहीं हुआ है, खाना कैसे बनेगा? अरे तूने तो सुबह से मुंह भी नहीं धोया, तुझे तो केवल खाने की चिंता रहती है, कभी खाना बनाया भी है? चल उठ यहाँ से, मैं खाना बनाता हूँ। चलो आप कीजिए। क्या भोजन बन गया है ब्राह्मण देव? सुगंधित तेल लगाकर नहा लीजिए। अरे जारी मरी, देखती नहीं दो व्यक्ति कब से बना रहे हैं, पर अब तक खाना नहीं बना। अब तक तो 100 लोगों का खाना बन गया होगा। खाना बनाना नहीं आता, इसमें चूल्हे का क्या दोष? अरे सखी, जिनके कंधे पर लक्ष्मी ना हो वो भला क्या करे। हाँ सखी। भैया मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भैया भूख के कारण तुम मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। और सहा नहीं जाता, जात भले ही जाए पर पहले तो प्राण बचाने होंगे, भोजन तो करना ही होगा। सुनो दासियों। हाँ जी। अपनी मालकिन से जाकर कहो उनके हाथों से बना भोजन ग्रहण करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। भैया क्या हम अछूत के हाथ का भोजन करेंगे? जीवन बचाने के लिए छोड़ो उन बातों को। अरे एक भूल के कारण हमारी आज ऐसी दशा हुई है। चलो जगन चलो। चलिए देवी, देवी आपके हाथों से बना भोजन उन्हें स्वीकार है। देवी कहते हैं प्राण रक्षा पहले, बाद में जात पात। हाँ देवी ठीक है, तुम उनके स्नान का प्रबंध करो। जो आज्ञा देवी।, देवी प्रभु ने बहुत कष्ट पाए हैं, बस अब और नहीं, आज मैं स्वयं भोजन बनाकर उन्हें परोस दूंगी। अरे आनंद आ गया। हरिओम। आनंद आ गया भैया। क्या शीतल जल है। खूब नहा जगन।
स्वागतम। आइए ब्राह्मण देव जी, आइए आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। अरे चकन, तुझे सब ठीक ठाक लग रहा है ना? जो भी कहो भैया, जो अतिथियों की इच्छा अनुसार सेवा करे उससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए ना, पहनने के लिए हमारे प्रिय वस्त्र पाट पीतम्बरी और नीलाम्बरी दिया है, देखते खाने को क्या मिलता है। पर पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। बिना जाने पहचाने हमारा इस तरह अंदर आ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। पर क्यों भैया? देखो ना, इतना मान सम्मान, ये नए वस्त्र, ये अलंकार। हाँ, ये आतिथ्य सत्कार तो मानना पड़ेगा। अरे जगन, यहाँ पर एक भी पुरुष दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है यहाँ पे कोई तंत्र मंत्र हो रहा है। और हम दोनों को बलि देने के लिए यहाँ लाए हैं। अरे हंस मत, देख आगे क्या होता है। भैया, लगता है भूख के मारे आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। अब... प्रणाम। 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 आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम। प्रणाम। बैठे भैया। अरे चगन, तुझे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना? देखते हैं क्या होता है। हाँ। ब्राह्मण देव, आप दोनों में ज्येष्ठ कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बड़ा हूँ? अरे 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 अरे, अरे इसे हटाओ, ये लो। अरे जो बाद भरपेट भोजन मिला है तो ठीक कहता है। क्या बताऊं मालकिन, गरम जले जिस प्रकार खा रहे हैं, हमें तो लगता है कि परिवार के दूसरे सदस्यों का भाग भी यही खा जाते होंगे। हाँ मालकिन, ऐसे निर्धन भूखे ब्राह्मण तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। हाँ। चुप, अतिथियों के बारे में ऐसा कहते हैं क्या? भैया, ये भोजन तो हमारे शिव मंदिर के भोजन जैसा ही लग रहा है। हाँ रे, तूने ठीक कहा, मैं भी यही सोच रहा था, ये तो हमारी बहुरानी के हाथों से बने भोजन जैसा ही लग रहा है। हाँ, रुकिए ब्राह्मण देव, अब भी कुछ शेष है, ये लीजिए हलवा। भैया हलवा? वाह, वही स्वाद। लक्ष्मी बहुरानी भी खाने के बाद ऐसे ही स्वादिष्ट हलवा परोसती थी। समझे चगन, मुझे लगता है ये लक्ष्मी बहुरानी का ही घर है। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है हम लक्ष्मी के घर पहुंच गए हैं। तो फिर देर किस बात की है, बहुत हो गया। लक्ष्मीहीन होने का फल हम बहुत भुगत चुके हैं। जगन, तुम तुरंत अंतापुर जाकर बहुरानी को समझा बुझा कर ले आओ, हम सब फिर साथ साथ श्री मंदिर चलते। पर भैया, वो तो अछूत। चुप, अछूत मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ये तुम्हारे बड़े भाई का आदेश है। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। हाँ।
लक्ष्मी लक्ष्मी अब इस दासी के पास आने का क्या प्रयोजन है प्रभु? एक बार अछूत कहकर त्याग देने पर अब मेरी क्या आवश्यकता? ये कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी? सांसारिक जीवन में इस तरह के मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। छोटी सी बात को मन से लगाकर बैठ जाना, ये कहां तक उचित है देवी? छोटी सी बात? आप इसे छोटी सी बात कह रहे हैं प्रभु? एक पत्नी को उसके अधिकारों से वंचित करना, क्या ये छोटी सी बात है? बिना कारण पत्नी को घर से निकाल देना, क्या ये भी छोटी सी बात है? फिर ये संसार हमसे क्या ग्रहण करेगा प्रभु? समाज में पुरुष क्या सदैव ही नारी के अस्तित्व का ऐसे ही हनन करता रहेगा? मैं मानता हूँ देवी, दोष हमारा ही है। बड़े भैया को भी अपनी भूल का पश्चाताप है। ये 12 वर्ष मैंने किस तरह बिताए हैं, क्या इसका अनुमान है आपको? तुम्हारे विरह में हमने भी कम कष्ट नहीं उठाए हैं देवी, परंतु जो हो गया उसे विधाता का निर्णय समझकर स्वीकार करो। चलो लक्ष्मी चलो, तुम्हारे बिना श्रीमंदिर श्रीहीन सा लगता है। ये तो मेरा पहला दोष था, क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? प्रभु नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। असमय आ गया प्रभु, मुझे क्षमा करें, परंतु करता भी क्या, मुझसे रहा ही नहीं गया। 12 वर्ष बाद माता और प्रभु के युगल दर्शन का लाभ जो ले रहा हूँ। नहीं देवशी, आप सही समय पर आए हैं। चलिए लक्ष्मी और बड़े भैया को साथ लेकर श्री मंदिर वापस लौट चलते हैं। नहीं प्रभु, श्री मंदिर लौटने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? हाँ प्रभु, जब तक श्री मंदिर में जात पात का भेदभाव है, छूत अछूत का भेदभाव है, और जब तक श्री मंदिर में अछूत और ब्राह्मणों को एक साथ बैठकर भोजन करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक मैं श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी। तुम्हारी सभी शर्तें मुझे स्वीकार है देवी, केवल इतना ही नहीं, प्रत्येक गुरुवार को तुम स्वतंत्र रूप से मृत्युलोक जा सकती हो। अछूत हो या ब्राह्मण, सभी तुम्हारी पूजा व फल के अधिकारी होंगे। गुरुवार के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा उसे धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। धन्य हो प्रभु। अब चलिए भी न माते, अब तो प्रभु ने भी आपकी सारी शर्तें मान ली हैं। आप नहीं जानती माते, नारी जाति के सम्मान के लिए प्रभु ने भी कुछ कम कष्ट नहीं सहे। और माते, ये सारी लीला प्रभु लीलामय की ही है। लीला? इस लीला में आप भी तो सम्मिलित हैं देवर्षि। कौन सी लीला देवर्षि? ये सब घटनाएं जो घटी हैं, वो प्रभु की इच्छा से ही तो घटी है माते। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? अर्थात प्रभु ने जानबूझकर इतने कष्टों को गले से लगाया? हाँ माँ, यदि प्रभु स्वयं कष्ट न सहते तो क्या एक अछूत जाति का जन्म जन्मांतर के लिए उद्धार हो पाता? प्रभु ने श्रेया के लिए जो लीला रची, उसे युगों युगों तक कोटि कोटि श्रेया अपना अधिकार और सम्मान पा सकेंगी। माँ धन्य है आप महाप्रभु, धन्य है आप देवर्षि नारद। देवर्षि आप भी अपने प्रभु की तरह छल करने में कुछ कम नहीं है। नारायण नारायण। चलिए स्वामी, श्री मंदिर लौट चलते हैं। चलिए देवी। जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी।
चिंता हरो चिंता हरनी। चिंता हरो चिंता हरनी महालक्ष्मी महामाई जननी सखी चिंता हरो चिंता हरनी। Da 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 da